शांति। कल हम सभी ने इस बात को समझा था कि ईश्वर के विषय में कितने सारे मत मतांतर है, और उन सभी मत मतांतरों में सत्य को समझने के लिए हमने आपको एक कसौटी दिया था 5 बातों की। उन बातों को पुनः थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ईश्वर उनको कहा जाता है जो पहली बात सर्वधर्म मान्य हो, दूसरा ईश्वर उनको कहा जाता है जो सर्वोच्च शक्ति हो, तीसरा ईश्वर उनको कहा जाता है जो सर्वपरे हो, चौथा ईश्वर उसको कहा जाता है जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, और पांचवा परमेश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व गुणों में अनंत हो। ये 5 बातें कसौटी है। अभी जो दुनिया के अंदर अनेक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में से हम कुछ मान्यताओं को उठा करके इस कसौटी पर कसकर देखते हैं, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करेंगे। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये 5 बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? सोचने की बात है कि हर धर्म वाले तो नहीं स्वीकार करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? ये भी मुश्किल है कि प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति भी नहीं कह सकते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है कि वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? अब हमें अपने विवेक से समझना है, क्या प्रकृति स्वयं परमेश्वर है या प्रकृति उस परमेश्वर की रचना है, उस चित्रकार का चित्र है? आपका विवेक क्या कहता है? यही कहेंगे कि प्रकृति परमेश्वर की बहुत सुंदर रचना है, और अगर वो रचना है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था। अज्ञानता के कारण हमने मान लिया, सत्य तो नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? क्या आत्मा को परमात्मा के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? हर धर्म वाले तो आत्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। संसार का खेल कहा जाता है 3 शक्तियों के आधार पर चलता है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। ये 3 सत्ताओं के आधार से ये संसार का खेल चलता है। तो पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा, दोनों अलग अलग सत्ता है, दोनों एक नहीं दर्शाया है शास्त्रों के अनुसार भी। और इसीलिए मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सत्य क्या है? हम ही ईश्वर हैं या हम उस परमेश्वर के संतान हैं? मैं समझती हूं आपका विवेक भी इस बात को स्वीकार करता होगा कि परमात्मा के संतान है हम सभी आत्माएं। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या समझते हैं कि नहीं, अगर हम जीवन में पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। पहली बात,
परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है जो मैंने पुरुषार्थ किया और मैं प्राप्त कर लूं। नहीं, आज इस संसार में मनुष्य अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से कोई भी पोस्ट पोजीशन डिग्री को हासिल कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? खुद का माता पिता नहीं बन सकता है। पिता जैसा जरूर बनेगा, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभालेगा, पिता जैसा होकर के छोटे भाई बहनों को बड़ा करेगा, लेकिन जब पिता के सामने जाएगा तब बच्चा ही रहेगा। पिता जैसा और पिता बन जाना अंतर है। हम आत्माएं भी पिता जैसे बन सकते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा नहीं बन सकते। परमेश्वर के सामने हम सभी आत्माएं उसकी संतान ही है, और इसीलिए इस दुनिया के अंदर मनुष्य ने जैसे कर्म किया वैसा उसको टाइटल जरूर मिला। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द आता ही नहीं है, गॉड इज वन यही कहा गया है। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या मिसाल देते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है जिसके टुकड़े टुकड़े होकर, अंश होकर के हम इस संसार में आए, और अंत में जाकर के सारे बुदबुदे उसी सागर में विलीन हो जाएंगे और परमात्मा बन जाएंगे। ये कहां तक सत्य है? पहली बात, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, यह संभव है, क्योंकि वो तत्व है, तत्व तत्व में समा सकता है, लेकिन आत्मा तत्व नहीं है। आत्मा एक शक्ति है, शक्ति का टुकड़ा नहीं हो सकता है। तत्व का टुकड़ा हो सकता है और तत्व तत्व में मिल जाता है, और जब तत्व तत्व में मिल गया तो उस बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो सागर बन गया, लेकिन आत्मा शक्ति है। शक्ति का न टुकड़ा होता है न वो समा सकता है, उसका अपना अस्तित्व है, अजर अमर अविनाशी, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता है। तब कई बार कई लोग बहस भी कर लेते हैं कि अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश है ये शरीर, जो फिर भी यह तत्व का बना हुआ है, लेकिन आत्मा तत्व नहीं है, और इसीलिए आत्मा का अपना अस्तित्व है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? मैं समझती हूं कि आप भी उस बात से सहमत होंगे, आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता होगा कि आत्मा परमात्मा की संतान है। पिता जैसा बन सकते हैं, पिता नहीं बन जाते हैं। खुद के पिता कैसे बन सकते हैं? तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, आत्मा ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा है, अब सोचने की बात है कि ब्रह्म
क्या चीज है? ब्रह्म भी एक तत्व है। जिस तरह ये पांच तत्वों की दुनिया है, ऐसे महान तत्व है परम ब्रह्म, महान तत्व है। अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते आए हैं। प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर की रचना है ये भी कहा, वो तो क्लियर हो गया। दूसरा आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा, दोनों बातें कही, सत्य सिद्ध हो गया आत्मा परमात्मा की संतान है। इसी तरह एक तरफ हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर ये भी कहते हैं पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, जो पांच तत्वों की दुनिया से पार परम ब्रह्म में निवास करने वाले ईश्वर। अब हमें अपने विवेक के आधार से समझना है कि दोनों बातों में सत्य क्या है। ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? जरूर है हर कोई ये कहेगा कि पार ब्रह्म में निवास करने वाले ईश्वर ये सत्य है। आगे बढ़े, चौथी बात जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है। अब कण कण में व्यापक है, क्या हमारा विवेक इस बात को भी स्वीकार करता है कि ईश्वर कण कण में है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, कण कण तो सब हो गया, तो कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान हो सकता है? ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहां हमने उसको कह दिया? एक तरफ उसकी महिमा में गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और दूसरी ओर हम कहते हैं कण कण में है। कहीं ना कहीं ये विरोधाभास नहीं हो रहा है? एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है? तब कई बार मनुष्य कहते कि नहीं, हर प्राणी मात्र में आत्मा भी है परमात्मा भी बाजू में बैठा है। ठीक है, इस बात को भी हम देख लेते कि अगर हर इंसान के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो, और एक व्यक्ति किसी का खून करता है, गलत काम करता है, तो वो कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? अगर आप कहेंगे आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी ताकत नहीं है। आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे, माता पिता सामने बैठे हो, अगर मारपीट करने लगे तो माता पिता देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्योंकि मनुष्य अक्सर ये कहता है कि मनुष्य जो कर्म करता है परमात्मा उस समय साक्षी हो जाता है, उस समय मनुष्य के कर्म में इंटरफियर नहीं करता है। अगर साक्षी ही होना था तो जरूरी नहीं कि यहां बैठे और साक्षी हो। जिस तरह से माता पिता सामने बैठे हो तो साक्षी नहीं हो सकते हैं। इसी तरह परमात्मा भी करुणा का सागर, दया का सागर, प्यार का सागर है, माता पिता है, वो साक्षी नहीं हो सकते उस वक्त। लेकिन अगर माता पिता बाहर है, बच्चे अकेले घर में हैं, तो खूब मारपीट भी होगी। माता पिता हो तो ये काम नहीं हो सकता है। आज जैसे कोई हमें कोई बात बताता है और हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों इस झंझट में पड़ते? कहते ना,
कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला सब में व्यापक कौन है, और सही कौन सा है, ऊपर वाला ये सही है या कण कण में व्यापक ये सही है। श्रीमद् भगवद् गीता के चौथे अध्याय में जब उसने ये कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता। तो नहीं है तभी तो आएगा, अगर यही हो तो कौन आएगा, अगर यही हो तो उसके होते इतना अधर्म कैसे है, अगर नहीं है तभी तो वो आएगा, तभी तो इतना अधर्म फैला, तभी तो उसका नाश करने के लिए उसको आना पड़ता है। आज देखो प्रकृति के अंदर भी ये गुण है कि अग्नि के अंदर लोहा रखो तो अग्नि के संग में जब लोहा आता है तो वो भी लोहे की लोहा भी अग्नि के जैसा लाल हो जाता है, संग का रंग। इसी तरह मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है ना तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। इसी तरह परमात्मा अगर हम सबके बाजू में बैठा है, पारस है, और वो पारस बाजू में बैठने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन गिरते ही गए, अधोगति होती गई, ये हो सकता है? ये तो परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान कहेंगे कि वो बाजू में बैठने के बाद भी उसके पास अगर इतनी क्षमता नहीं हमें पारस बनाने की तो बैठने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही है, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्रों में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे, और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभव के बेसिस पर। उन्होंने ईश्वर के जो अनुभूति की तो अनुभूति को शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन वास्तव में अनुभूति को शब्द में बांधा नहीं जा सकता है, और इसीलिए मनुष्य ने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जिस तरह से कहा जाता है कि पहले के समय के ऋषि मुनि जो थे वो जब साधना करते थे तो दे वर एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से गुजर सकते थे, और जब कली काल को देखते थे कि इतना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप कर रहा है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, वो तुझे देख रहा है। एक भावना जागृत करने का प्रयत्न किया ताकि मनुष्य पाप कर्म न करे। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो माँ उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाएंगी, बाहर एक कुत्ता दिखाएंगी, गाय दिखाएंगी और कहेंगी, देख बाहर गए ना, ये कुत्ता उठा के ले जाएगा, गाय उठा कर ले जाएगी। माँ खुद भी समझती गाय कोई उठा के ले जाने वाली नहीं है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा उसके लिए प्रथम है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते मां ने झूठ क्यों बोला। वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, जैसे ही कुत्ते को गाय को बाहर देखता है वापस अंदर आ जाता है।
और खुशी प्रकट करता है, आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती है। और वो हंसते हुए चला जाता है, बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा, लो मैं ही लेके आया। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने जो भावना बिठाने का प्रयत्न किया था ताकि मनुष्य पाप कर्म न करे, आज से 200-300 साल पहले भी कोई अगर किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता था तो मनुष्य मना कर देता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, नहीं करता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार अपने को समझता है, और इसीलिए कोई याद भी दिलाता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख। तो वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, यही कह देता है। यानी वो भाव जो बिठाने का प्रयत्न किया था ऋषि मुनियों ने, वो समाप्त हो गया, और इसीलिए मनुष्य पाप भी कर रहा है, डर भी नहीं है, और बहस भी करता है, ईश्वर सर्वज्ञानी है। कई लोग बहस करते हैं हमसे, पूछते हैं आप क्या समझते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है? हम उन्हें एक ही बात पूछते हैं, आप मानते हो? कहते हैं हाँ हम तो मानते हैं, ईश्वर कण कण में है। तो फिर हम यही कहते हैं उनको, अगर आप मानते हो कि ईश्वर कण कण में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जब ये बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, अरे पाप तो होता ही है ना, जब आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको पाप करते जाना है, तो वाई एडवोकेट, वाई एडवोकेट, या तो मानो, पाप न करो, फिर कहो कि हां, तब लोग मानेंगे उस बात को। भावार्थ ये कि पहले के समय में ये बात एक भावनात्मक रूप से कही गई थी, तो भावनात्मक सत्य अवश्य है, सिद्धांतिक नहीं। मिडिल एज में मीराबाई जैसे भक्त हो गए, जिसकी ईश्वर से इतनी गहरी प्रीत थी, जैसे आज किसी का किसी से बहुत गहरा प्यार हो और उसके मनस पटल पर उसी की आकृति अंकित होती है, तो एकांत में अगर बैठे होते हैं ना, तो उसको लगता है वही आया, वही खड़ा है, वहां है, जहां देखते हैं वहां वही दिखाई देते। तब उन्होंने कहा, जहां देखो वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है। एक भावनात्मक सत्य है, एक लगन है जो कह रही थी, लेकिन उसको सत्य मान लेना कि फिजिकली हर जगह वो प्रेजेंट है, और इसीलिए ये कुर्सी को परमात्मा मान करके इसकी पूजा करना, कपड़े को परमात्मा मान करके इसकी पूजा करना, टेबल को परमात्मा मान करके उसकी पूजा करना, हर चीज की पूजा करने अगर लग गए तो ये तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। हमें अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है, उस भावना को लेकर चलना है, ये हमें भी स्वीकार करते हैं। आज कोई हमें कहता है बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे ना ईश्वर मेरे साथ है, एक भावना है, और इस भावना को लेकर जीवन में चले तो कभी कोई गलत काम नहीं होगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा। ये भाव ऋषि मुनियों ने हम सबके अंदर बिठाना चाहा, लेकिन शायद ये भाव भूल गया और सिद्धांतिक रूप में आ गया और उसी को एडवोकेट करने लग गए। तो आगे हम देखेंगे कि परमात्मा का वो सत्य स्वरूप कौन सा है, कल इस बात को स्पष्ट देखेंगे, अनुभव करेंगे।
हर धर्म में उसकी कौन सी वो मान्यता है जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया है ईश्वर के रूप में। ओम शांति।